आज दुनिया भर के बाजारों में दबाव है और भारतीय बाजार भी चपेट में आए हैं क्योंकि अमेरिका में मंदी की आशंका गहराने की बात की जा रही है। जी हां, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग के जो डेटा आए हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट के जो डेटा आए हैं, अब वो कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रहे हैं कि शायद यूएस फेड ब्याज दरों में कटौती को लेकर देरी कर रहा है और इकोनॉमी में मुश्किलें बढ़ रही हैं। उस चिंताओं के चलते दुनिया भर के बाजार गिरे, भारतीय बाजार भी उसके चपेट में आए और रिकवरी की कोई खास कोशिश हुई नहीं। अभी भी जो निफ्टी है 250 अंक गिरकर 24,762 के आसपास कारोबार कर रहा है, यानी कि 24,800 का जो अहम सपोर्ट है आज वो ब्रीच हुआ है। देखते हैं कि आखिरी के घंटे में बाजार उसकी भरपाई करता है या फिर नहीं करता है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यवर्तम और क्लोजिंग कॉल में अगले एक घंटे तक आपको तमाम खबरें, तमाम ट्रेड करने वाले स्टॉक्स आपको बताएंगे और कुछ खास चीज़ें भी होंगी आपके सामने रखते हैं, वो क्या होंगी। 2:35 पर हम क्लोजिंग ट्रेड्स लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। 2:40 पर ऑप्शंस का एक बेहतरीन आपको हम सौदा सुझाएंगे ऑप्शंस के चैंपियन के जरिए। 3:00 मार्केट एट 3 होगा, यानी कि बाजार खुलने के बाद कहाँ पर एक्शन बढ़ा है बाजार में, खबरों के दम पर क्या हो रहा है, नतीजों के दम पर क्या हो रहा है, इसकी पूरी समरी होगी आपके लिए मार्केट एट 3। 3:05 पर आपके लिए हम लेकर आएंगे खबर घर में, हमारा खास सेगमेंट जहां पर हम डीलिंग रूम का चेक लेते हैं और समझते हैं कि डीलिंग रूम्स में क्या चल रहा है, किस कंपनी को लेकर, किस शेयर को लेकर खबर गर्म है, ये जानेंगे। 3:15 पर BTST या फिर STBT ट्रेड होगा और इवेंट्स टू वॉच, यानी कि अगले हफ्ते के लिए आपकी नज़र कहां पर रहनी चाहिए बाजार में, ये आपको बताएंगे इवेंट्स टू वॉच के जरिए। तो पूरा का पूरा शो एक्शन पैक्ड है, आप बिल्कुल एक घंटे तक हमारे साथ बने रहिए और शो का मजा लीजिए। लेकिन चलिए ये जान लेते हैं कि आज दिन भर का कारोबार किस तरह का हुआ है, 5 बड़ी बातों के जरिए पूरे दिन की समरी आपके लिए लेकर हाजिर होंगे। निफ्टी है 24,800 के नीचे और ज़्यादातर जो समय बिताया है आज दिन का 24,800 के नीचे ही निफ्टी ने बिताया है, करीब 240 अंकों की गिरावट हम देख रहे हैं। आज चर्निंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है, स्टॉक्स की बात करें तो सुबह के सत्र में सिर्फ 4-5 शेयर ऐसे थे जहां पर मजबूती थी, लेकिन उसकी लिस्ट थोड़ी सी लंबी हुई है निफ्टी में। SDFC बैंक से सपोर्ट बढ़िया मिल रहा है निफ्टी को भी और निफ्टी बैंक को भी। SDFC बैंक लगातार दूसरे दिन ये शेयर चल रहा है और 1650 रुपये के ऊपर मजबूती से बना हुआ है, उसके चलते हम देखते हैं कि निफ्टी बैंक की जो गिरावट है वो 75-76 अंकों के आसपास की रह गई है। कुछ और शेयर निकल कर आए हैं, मसलन कोटक बैंक में हम आज तेजी देख रहे हैं, लेकिन IT, इसके अलावा ऑटो और रियल एस्टेट, मेटल, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर गिरावट हो रही है। IT और मेटल का ग्लोबल कनेक्शन है। ऑटोज में हम देख रहे हैं कि नतीजे जो आए हैं कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है वो पसंद नहीं आ रही है बाजार को और उसके चलते गिरावट हम देख रहे हैं। रियल एस्टेट एक और खेमा है जहां पर हम कमजोरी देख रहे हैं, लेकिन मेटल्स पर ग्लोबल चीज़ें हावी हो रही हैं। हिंडाल्को, JSW स्टील, टाटा स्टील, ये सारे के सारे शेयर आज निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल है। फार्मा स्टॉक्स में खरीदारी आज आपको दिखेगी, डिवीज, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, ये निफ्टी के अगर आप टॉप 5 गेनर्स देखेंगे तो उसमें ये तीनों के तीनों शेयर शामिल हैं और इन शेयरों में 2-3% के आसपास तक की तेजी हो रही है। लेकिन आखिर में मिड कैप में हम देखने की कुछ कुछ चुनिंदा हैं। जोमेटो के नंबर्स बड़े धमाकेदार आए और उसमें ब्लिंकिट के प्रदर्शन को लेकर जो ब्रोकरेजेस हैं वो बुलिश हो रहे हैं। CLSA ने 350 रुपये का टारगेट दिया है जोमेटो को लेकर और 7-8 ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट अब आपको हम दिखाएंगे थोड़ी देर में। सभी ने अपना टारगेट बढ़ाया है जोमेटो को लेकर, तो ये लास्ट ईयर इस टाइम पे ये शेयर करीब 80-85 रुपये के आसपास का भाव था, अब यह 270 रुपये का, यानी कि 3 गुना हो गया है जोमेटो अपने भाव से। लेकिन अभी भी बाजार में थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि ये मोमेंटम कमजोरी का ही है, ग्लोबल जो भी सेंटिमेंट है वो हावी हो रहे हैं, लेकिन निफ्टी बैंक को दिखाइए, निफ्टी बैंक की रिकवरी बहुत ही कमाल की रही है। लोअर लेवल से करीब करीब 350-400 अंकों की रिकवरी हम निफ्टी बैंक में देख रहे हैं। 51,500 पर आ गया आज का जो निचला स्तर है, 51,087 का है, यानी कि 400 अंकों की रिकवरी निफ्टी बैंक में आ चुकी है। अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं और उनसे ये समझते हैं कि बाजार में आपकी रणनीति आज क्या होनी चाहिए। हमारे साथ जुड़ गए हैं अमोल आठवाले हैं, मितेश पांचाल हैं और इसके अलावा थोड़ी देर में हमारे साथ विजय चोपड़ा भी जुड़ जाएंगे, इनॉक वेंचर्स के MD & CEO हैं। अमोल आठवाले से शुरुआत करेंगे। अमोल, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है 18 स्वदेश पर। अमोल, रिकवरी हमने देखी नहीं, कोई अटेम्प्ट हुई नहीं, हालांकि पिछले दिनों अगर हम बाजार की अगर हम प्रकृति को देखेंगे तो रिकवरी आ रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो ग्लोबल जो क्यूज हैं आज उसने ग्रिप अपना टाइट किया है बाजार पर। आपको क्या लगता है, निफ्टी बैंक रिकवर जरूर कर रहा है HDFC बैंक के दम पर, कोटक बैंक के दम पर, क्या आपको लगता है कि निफ्टी में हम थोड़ी सी रिकवरी देख सकते हैं क्लोजिंग के ट्रेड में या फिर जो स्तर अभी चल रहे हैं इसके आसपास की ही क्लोजिंग होगी? नमस्ते,
आई थिंक आपने बिल्कुल सही कहा। जनरली अगर रनअवे करेक्शन जब होता है तो पहला जो डीप होता है वो बाइंग में कन्वर्ट होता है और वहीं से टेक्निकल बाउंस बैक ट्रिगर होता है। बट आज का दिन थोड़ा सा अलग रहा। आज अभी भी मार्केट डे लो के आसपास है। अगर डे लो आज का टूटता है तो मुझे लगता है कि सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा, जो इंडिकेट कर रहा है कि ये करेक्शन जो है ये अभी और थोड़े दिन चल सकता है। सेटअप अगर हम देखते हैं तो टेक्निकल सेटअप भी थोड़ा सा ओवरबॉट था इंट्राडे में, तो इसकी वजह से भी थोड़ा सा अपने मार्केट में करेक्शन एक्सटेंड होता हुआ दिख रहा है। एडिशनली हम ग्लोबल मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो भी खराब है, तो वहीं से भी थोड़ा सा लग रहा है कि ये वीकनेस थोड़ा सा और बढ़ सकता है। मुझे लगता है ये वीक ही है, बट इम्पोर्टेंट रोल रहेगा आगे जाके बैंक निफ्टी का। आज भी बैंक निफ्टी ने काफी हद तक संभाला है। अगर बैंक निफ्टी भी करेक्ट होता तो आई थिंक ये फॉल और बढ़ जाता, तकरीबन 300 350 पॉइंट तक बढ़ जाता। तो आगे जाके अगर हम सेटअप भी देखते हैं या फिर बैंक निफ्टी का जो आने वाला जो मूवमेंट्स रहेगा वो आई थिंक मार्केट के लिए अहम रहेगा। अगर बैंक निफ्टी लेवल वाइज मैं देखता हूँ तो 51,700 अगर क्रॉस करता है तो मुझे लगता है कि एक फ्रेश अप ट्रेंड रैली के चांसेस यहाँ से बन रहे हैं। अदरवाइज इसमें भी वापस से एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। ऑन द लोअर साइड 51,000 का सपोर्ट है और अगर मैं निफ्टी के सपोर्ट्स देखता हूँ तो डेफिनेटली आज का जो डे लो है या फिर हम बोल सकते हैं 24,700 का वो क्रूशल है। उसके नीचे थोड़ा सा वीकनेस और बढ़ेगा और अगर बाउंस बैक आना है मार्केट को तो एटलीस्ट मिनिमम क्राइटेरिया रहेगा कि मार्केट आज का डे हाई या फिर 24,850 एटलीस्ट क्रॉस करना चाहिए, उसके बाद ही कुछ टेक्निकल बाउंस बैक आ सकता है। तो कुछ कुछ इंडेक्स पे आपको मोटा मोटी व्यू मिल गया, लेकिन बाज़ार अब दिन के लो पे आ गया है और आप डाइवर्जेंस का लेवल ऐसा देखें कि आज आईटी एक बार देखा ना, आईटी इंडेक्स दिखाइए एक बार, निफ्टी का आईटी इंडेक्स, आपको थोड़ा और आइडिया लगेगा, उससे थोड़ा और क्लियरेंस आपके पास आ जाएगी। आईटी और फार्मास्यूटिकल्स ही ऐसे थे जो कि इस समय बाज़ार के अंदर मार्केट को निफ्टी को मैं इनफैक्ट बोलूँगा कि अलग लेवल पे ले आए थे। निफ्टी का ऑल टाइम हाई टेस्ट करवाया, 25,000 लगवाया। आज नैस्टेक में पहली बार हमको सिग्नल इसके दिखे। मैंने कभी आपको पिछले एक महीने में नैस्टेक के चार्ट नहीं दिखाए, हमेशा मेरे सहयोगी आपको नैस्टेक के बारे में या डाओ के बारे में या यूएस मार्केट्स के बारे में बताते रहे। आज हमने पहली बार आपको नैस्टेक के चार्ट दिखाए और आपको ये बात बताया था कि हमको लग रहा है कि आईटी के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम नैस्टेक के अंदर दिख रही है और वो जल्दी डैमेज कंट्रोल नहीं होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो 16,000 की तरफ भी खिसकेगा। ये 17,000 का इंडेक्स है तो उसका असर आज इंडियन मार्केट्स पे भी आपको दिख रहा है। ये आईटी का इंडेक्स बकायदा डेज लो पे है, बैंक के बाद सबसे बड़ी वेटेज आईटी की, और आईटी जब नीचे टूटेगा तो आज डाइवर्जेंस आपको साफ दिख रहा है। बैंक निफ्टी आज सिर्फ 100 पॉइंट है, 100 भी नहीं इनफेक्ट कायदे से देखा जाए तो, और निफ्टी 125 पॉइंट है नीचे, जबकि आधा इंडाइसिस है उसका, वो 50,000 प्लस है और ये 25,000 प्लस है। तो वेटेज कैसे काम करती है आप इसी से अंदाजा लगा सकते, आपको ये सारी चीज यहां पे क्लियर हो रही है। धानुका एग्रीटेक के नंबर भी सिस्टम में आ रहे हैं, एक बार मैं आपको जरा बता देता हूं। उसका मुनाफा जो है करीब करीब 50 करोड़ रुपए के आसपास हो गया, अभी टिकर टीम वो डाल देगी, आप उसको नोटिस कीजिएगा। आई भी बढ़ी है उसकी, 494 करोड़ है। शेयर एक बार जरा दिखाना धानुका एग्रीटेक का, बकायदा डेज हाई पे होना चाहिए, 3.5% है। एक बार जरा धानुका एग्रीटेक दिखाओ स्क्रीन पे तो, और अमोल जी एक बार जरा धानुका एग्रीटेक देखो, फिर कुछ और मार्केट के इंटेलिजेंस पकड़ते हैं। जी, आई थिंक धनुका में अगर हम देखते हैं तो ये डेफिनेटली अभी तो मोमेंटम आया है और इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन ये है कि इतने बड़े करेक्शन में मॉर्निंग से स्टॉक ने कंट्रीब्यूट किया नहीं है। अगर डेली सेटअप भी अगर हम देखते हैं तो पॉजिटिव साइड पे ये एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन था और उसी को आज भी स्टॉक ने कंटिन्यू किया है। फिर भी ओवरऑल टेक्सचर देखते हुए मैं थोड़ा संभल के रहने का ये राय दूंगा। मुझे लगता है कि ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स के लिए 1750 और 1730 ये दो इम्पोर्टेंट लेवल्स है। जब तक उसके ऊपर रहता है ये बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। ऑन द हायर साइड मुझे लगता है कि 1825 और 1840 तक के लेवल देख सकते हैं। 1730 के नीचे शायद जो ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स है वो ये ट्रेडिंग पोजिशन से निकलना शायद पसंद करेंगे। एक खबर मैं और भी बता देता हूँ धानुका एग्रीटेक में, सोर्स बेस्ड मतलब सोर्स के एजेंसीज बेस्ड खबर ये है कि ये 100 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं बायबैक पर भी, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है धानुका एग्रीटेक में नोटिस करने के लिए। शेयर इस समय करीब 4.5% डेज हाई पे आके काम कर रहा है। विजय चोपड़ा जी हमारे साथ आ गए हैं,
और साथ ही साथ हिंदुस्तान जिंक के नंबर भी मैं आपको बता देता हूँ। हिंदुस्तान जिंक का जो रेवेन्यू है वो करीब 11% बढ़ा है, वो बढ़कर करीब 8,130 करोड़ रुपया हो गया, और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी 2,360 करोड़ रुपए की आई है। चोपड़ा साहब, एक बार ज़रा मैं नंबर आपके सामने रख रहा हूँ, आप ज़रा स्टडी कर लीजिएगा, हिंदुस्तान जिंक में आपका टेक क्या हो सकता है। मैं कंसोलिडेटेड आय बता रहा हूँ सर, उनकी बढ़ी है और उनका मार्जिन 46% से बढ़कर 48% हो गया है, तो 2% का मार्जिन इम्प्रूवमेंट आया है। करीब 2,345 करोड़ रुपये का सर उनका प्रॉफिट आया, और वहाँ पर जो राइज है मोर देन 14% का है। तो ये नंबर प्राइमा फेसी हिंदुस्तान जिंक के ठीक लग रहे हैं। लास्ट क्वार्टर हिंदुस्तान जिंक का हमने देखा बहुत अच्छा भी गया है, एक बार आपके रिकमेंडेशन सर। डिम्पी नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अच्छा परफॉर्मेंस है ओवरऑल, और मैं कहूंगा जितने भी मेटल क्षेत्र की कंपनीज हैं, टाटा स्टील ने बहुत अच्छे नंबर्स दिए हैं, डालको की भी बहुत, इसके हिंदुस्तान जिंक ने भी अच्छे दिए, वेदांता, तो मुझे लगता है पूरा अक्रॉस द बोर्ड मेटल्स हैव डन वेल। थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ कि इंटरनेशनल मेटल प्राइसेस में थोड़ी सी नरमी है, खास करके कॉपर जिंक में देखें तो इस क्वार्टर में थोड़ा सा फर्क जरूर देखने को मिलेगा, बट जो अभी तक पास्ट परफॉर्मेंस है बहुत अच्छी लगती है। और अगर आप मेरे से स्टॉक पे और स्टॉक प्राइस पे अगर रिकमेंडेशन लें तो मुझे लगता है अच्छा कंसोलिडेशन कर रहा है पिछले 2-3 महीनों से, 650 के लगभग भाव है, और अच्छे रिजल्ट्स के बाद एक अच्छा अपसाइड मुझे लगता है देखने को मिलेगा इसमें, और आपको ये 700 और 750 की तरफ जाते हुए दिखेगा। तो फिलहाल तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, और स्टॉक का जो जो स्ट्रक्चर है चार्ट्स का वो बहुत अच्छा है, तो हो सकता है आपको ये 700 और 750 की तरफ जाते दिखे। वैसे तो 750 तक जा सकता है ऑलरेडी, जिनके पास है पोजीशंस को रखे। मैं धानुका पर इसलिए वापस आना चाहता हूँ, अगर मैं सोर्स की भी बात मानूँ और इन्फॉर्मेशन भी समझूँ वायर्स वाली भी, 2,000 रुपये पर शेयर का बायबैक आ सकता है। एक बार शेयर दिखाना धानुका एग्रीटेक का, मेरे को तो लगता है 1,000 पे भी नहीं होगा। एक बार जरा दिखाइएगा तो धानुका एग्रीटेक दिखाना, एक बार स्क्रीन पे दिखा, 1,800 का होगा। 2,000 पे अगर 1,800 का शेयर है और 2,000 का बायबैक आ रहा है, तो इसका मतलब गुंजाइश अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। और आप देखो ये शेयर 5% ऊपर आया है। एक बार हमने टेक्निकल तो ले लिया, चोपड़ा जी एक बार धानुका एग्रीटेक आप कवर करते हो, दिल्ली की कंपनी है ये, एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड्स वगैरह से जुड़ी हुई कंपनी है। मिस्टर धानुका आते ही रहते हैं हमारे पास, और मैं थोड़ा गेस्ट कोऑर्डिनेशन टीम से भी बोलता हूँ कि कल परसों में अगर मैनेजमेंट आ पाए तो जरा लेके आइएगा उनके नंबर्स के बाद मिस्टर धानुका को, क्योंकि बायबैक वाली खबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर। 2,000 रुपये का रेट है सिस्टम में जिसपे बायबैक हो रहा है, 100 करोड़ रुपये खर्च करेंगे, क्वांटम छोटा है, रेट ऊपर है, तो सर ये प्राइस एक्शन दिखेगा, हो सकता है वैसे कुछ ना दिखे। एक बार आपकी टेक चाहिए सर इस पे। बायबैक करती है तो ये कॉन्फिडेंस दिखाता है कि किस तरीके से कंपनी कॉन्फिडेंट है अपने फंक्शनिंग के बारे में। दूसरी बात, अगर आपको याद हो ऑर्किड भी इन्होंने लिया था धानुका ने, और उसमें भी बहुत एक ब्लॉकबस्टर उनको रिटर्न्स प्राप्त हुए, तो मुझे लगता है ओवरऑल ग्रुप बहुत स्ट्रांग है, और जिस तरीके की बायबैक की खबर है, हालांकि देखिए कई बार क्या होता है एक पॉजिटिव फीलर क्रिएट करती है। हालांकि आपने बिल्कुल ठीक बोला, 8,200 करोड़ की कंपनी है, 100 करोड़ में के बायबैक में कुछ होगा नहीं, ये पॉजिटिव फीलर जरूर क्रिएट करती है। और बाजार जो है वो काफी सेंटिमेंट से भी चलता है, फंडामेंटल्स अपनी जगह हैं पर सेंटिमेंट से भी चलता है, रिजल्ट्स अच्छे हैं, मैनेजमेंट बायबैक कर रही है, तो आई थिंक कि ओवरऑल लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट है, और निश्चित रूप से कंपनी सही रास्ते पे है, और यही यही पता लगता है। तो अभी यहाँ से भी लगभग 180 रुपए के ऊपर का बायबैक है, तो आई थिंक देयर इज स्कोप। अच्छा विजय जी आपकी तबीयत ठीक है? मेरे को कल परसों गेस्ट कोऑर्डिनेशन टीम ने बताया कि आपका थोड़ा आपको बुखार है और आपका पेट भी खराब था, अभी ठीक है सर तबीयत आपकी, हेल्दी हो? हाँ थोड़ी बेटर है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर, अच्छा लग रहा है देख के, वेल्दी तो आप हो ही, हेल्दी भी रहिए, ये हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा बनी रहेंगी सर। ठीक है सर, वेरी गुड, अच्छा लगा आपसे इस समय बातचीत करके। अभिषेक के पास और क्वेश्चन है, वो पूछ रहे हैं। 4.5% ऊपर, 1,815 रुपये का भाव, बढ़िया तेजी हो रही है। हमारे एक और एक्सपर्ट मितेश पांचाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मितेश जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। सर कहाँ रह गए थे आप, बहुत देर लगा दी आपने। गुड आफ्टरनून सर, बेसिकली ऑन द वे था तो थोड़ा ट्रैफिक में फंस गया था, तो आने में देर लगी सर। अच्छा अच्छा
नहीं, सॉरी, ठीक है, हमें अपडेट मिल गया था। बताइए मिथिश जी, आपके स्टॉक्स कौन से हैं? तो अभिषेक जी, सिस्टम और मेथड के हिसाब से दो स्टॉक्स है जहां पे एक स्ट्रॉन्ग री रेटिंग हुई है और हमें लग रहा है कि ये हाईली वोलेटाइल मार्केट में ये दो स्टॉक में एक अप ट्रेंड जारी रहेगा। पहला है अंबिका कॉटन मिल, उसमें 1850 के ऊपर सिस्टम और मेथड के हिसाब से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिला है, तो 2006 के ऊपर अंबिका कॉटन मिल खरीदने की सलाह रहेगी। 1950 का स्टॉप लॉस रहेगा और ट्रेडिंग के तौर के हिसाब से यहाँ पे जो टारगेट है वो 2100 पहला टारगेट, 2150 दूसरा टारगेट, लेकिन आई थिंक अगर लंबी अवधि इसे रखे एक साल 12 महीने से 18 महीने तक तो आई थिंक 2500 2600 के लेवल्स भी अचीवेबल है। दूसरा जो स्टॉक है वो है सुबैक्स, छोटा स्टॉक है इन टर्म्स ऑफ प्राइस, 31 रुपीज के ऊपर बोथ मंथली और क्वार्टरली चार्ट के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिला है, तो सुबैक्स में 3350 के ऊपर खरीदने की सलाह रहेगी जहां पे आपका स्टॉप लॉस 30.50 रुपीज का रहेगा। पहला टारगेट 3850 का रहेगा, दूसरा टारगेट 40 का रहेगा। आप अपने रडार पर रखिए और अंबिका कॉटन को। इस बीच यूपीएल के नतीजे आ गए, यूपीएल के नतीजे जरा स्क्रीन पर लेकर आइए। मुनाफे से शायद कंपनी घाटे में ही आई है, ये चेक करना पड़ेगा। आय के फिगर फिलहाल स्क्रीन पर, 34% आय में बढ़ोतरी हुई है और ये है 494 करोड़ रुपए पर शेयर है, 550 रुपये के आसपास। एक बार जरा मुनाफे का इसका आंकड़ा आएगा तो फिर इसके शेयर को एक बार इस पर हम व्यू जरूर लेंगे, लेकिन जो ही नतीजे आए हैं करके ये शेयर नीचे फिसला है। अब ये 2% नीचे, 550 रुपये के नीचे कारोबार करता हुआ दिख रहा है। एक इस पर व्यू ले ही लेते हैं। विजय सर, आपसे इस पर व्यू लेंगे। यूपीएल लगा कि कंपनी थोड़ा सा प्रॉमिस दिखाएगी और कुछ दिन से ये शेयर मोमेंटम में दिख भी रहा था। यूपीएल आपको कैसी लगती है? आय बढ़ी है लेकिन कंपनी मुनाफे से घाटे में आ गई है। ये देखिए, थोड़ा सा एनोमली जरूर है कि पूरा का पूरा एग्रीटेक स्पेस रिवाइवल दिखा रहा है और कहीं ना कहीं ये एग्री में एग्रीकैम बोला सॉरी मैंने एग्रीटेक बोल दिया एग्रीकैम स्पेस में रिवाइवल देखने को मिल रहा है। उसके बावजूद यूपीएल के नंबर्स ठीक क्यों नहीं आ रहे हैं? तो चार्ट्स वाइज अगर मैं देखूं, मेरे को रिजल्ट पढ़ना पड़ेगा ऑन द फेस ऑफ इट, तो रिजल्ट्स में कोई बहुत ज्यादा जान नहीं लगती जब घाटे में आ गई है कंपनी मुनाफे से। बट चार्ट्स वाइज मुझे लगता है कि शायद वर्स्ट इज ओवर और यहाँ से रिवाइवल आना शुरू होना चाहिए, क्योंकि अच्छे मानसून के बाद अच्छा खपत होता है फर्टिलाइजर में, एग्रोकेमिकल में। तो मुझे लगता है कि कई बार कुछ कंपनीज टाइम लेती हैं, हमने देखा एग्रोकेम स्पेस में जैसे धनुका एग्रीटेक की आपने बात करी, तो रिजल्ट्स अच्छे हैं। तो यूपीएल नो डाउट वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज है, पीआई यूपीएल, ये बड़े बड़े नाम है एग्रोकेमिकल स्पेस के, और मुझे लगता है कि यहाँ से बहुत ज्यादा गिरावट नहीं लगती। और जो इनका ये प्रॉब्लम आया था वो इसलिए आया था क्योंकि चाइना से पहले बहुत ज्यादा हाई क्वांटिटीज में और हाई प्राइसेस में उन्होंने रॉ मटेरियल खरीदा था बहुत सारी कंपनीज में, और ये सारा का सारा माल पूरी पाइपलाइन से निकलते हुए टाइम लग गया, और इसमें लग गया 1.5 साल 2 साल कंपनीज का, काफी पैसा भी खराब हुआ, समय भी खराब हुआ। बट आई थिंक यहाँ से बहुत ज्यादा खराब होना नहीं चाहिए क्योंकि लॉजिस्टिक्स प्राइस नीचे आ चुके हैं, लॉजिस्टिक कॉस्ट नीचे आ चुकी है और रॉ मटेरियल प्राइस नीचे आ चुके हैं, तो यहाँ से बहुत ज्यादा डैमेज मुझे नहीं दिखाई देती और संभावना अच्छी है कि यहाँ से स्टॉक दोबारा घूमना शुरू करे। एक नीजक रिएक्शन जरूर होगा खराब रिजल्ट का, बट चार्ट से मुझे जो चार्ट पढ़ के लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा रिवाइवल आना चाहिए। उम्मीद है यूपीएल में। एक और एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रभुदास लीलाधर के, वैशाली पारेख। वैशाली जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपके टीनो स्वदेश पर। वैशाली जी, ऑटो स्टॉक्स में जो गिरावट हो रही है निश्चित तौर पर आपकी भी उस पर नजर गई होगी। आज देखिए आयशर, मारुति, टाटा मोटर, M&M, एक लाइन से सारे के सारे स्टॉक्स गिरे हुए हैं। हालांकि जब नतीजा है तो ऐसे मतलब नतीजों में ऐसा कुछ खराब किसी कंपनी में फ्लैग ऑफ नहीं किया गया था, लेकिन ये जरूर है कि टाटा मोटर की बात करें, थोड़ा सा मैनेजमेंट की कमेंट्री बाजार को पसंद नहीं आ रही है। ये बताइए कि इन स्टॉक्स में से क्या कोई शेयर है जहां पर अभी बाय ऑन डिप वाला अप्रोच अपनाना चाहिए या फिर एक बार सेटल हो जाने दें उसके बाद ही कोई राय बनाएंगे? वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू।
तो आज मार्केट कैप डाउन से खुला है और निफ्टी भी अभी हम दिन के एंड की तरफ निफ्टी भी लो दिख रहा है. सो आई वुड नॉट से कि अभी सपोर्ट देखने चाहिए, जस्ट वेट एंड वॉच, बिकॉज अगर निफ्टी ये लेवल पे कंसिस्टेंटली वीकनेस दिखा रहा है तो आई थिंक हर एक सेक्टर में सो फार हम देख रहे हैं सिर्फ फार्मा सेक्टर एकदम बुलंद है, बट बाकी सब हम देख रहे हैं दैट यस ओवरबॉट जरूर आ चुके हैं और प्रॉफिट बुकिंग हम देख सकते हैं इन टाइम्स टू कम. सो जल्दबाजी ना करें, लेट्स वेट, अभी नेक्स्ट वीक आ रहा है. अगर मार्केट में कुछ स्टेबिलिटी दिखे तो मुझे मारुति सही लग रहा है, बिकॉज मारुति एक ब्रेकआउट भी दिया था और दोबारा रिट्रेस हुआ है. सो आई वुड लुक एट मारुति, अशोक लेलैंड और दूसरा है टीवीएस मोटर्स. ये तीन स्टॉक्स अभी भी मुझे सही लग रहे हैं, बट आई विल से वेट एंड वॉच, बिकॉज ओवरऑल आप ऑटो इंडेक्स देखेंगे तो वो भी एक गैप डाउन से खुला है और एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के ऊपर है. अगर ये सपोर्ट टूटता है तो आई थिंक स्वाभाविक है दैट ऑल में सभी स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है. अशोक लेलैंड और टीवीएस मोटर, लेकिन वेट एंड वॉच करना है इसमें. वैशाली जी, कहां पर वेट एंड वॉच नहीं करना है, अभी अभी क्या ट्रेड करें? अभी मैं कहूंगी डोंट ट्रेड. नहीं ठीक है, तो आप एक राय दीजिए, फिर आप ये बताइए कि आपको इस लेवल पर ग्रेन्यूल्स कैसा लग रहा है. फार्मा की बात कर रही हूं, उस पर आपका टोन थोड़ा बुलिश भी लग रहा है. ग्रेन्यूल्स क्या और चलेगा यहां से? ग्रेन्यूल्स बहुत ही अच्छे से चला है और आई थिंक ट्रेंड भी बहुत ही अच्छा सा बन चुका है, तो जिनके पास है वो जरूर होल्ड करें और कंटिन्यू होल्डिंग विद द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस. और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा अराउंड 615 का. सो ये स्टॉक अभी भी मुझे सही लग रहा है, बट इसके अलावा आप देखेंगे तो सनफार्मा में भी काफी स्ट्रेंथ दिख रही है, इवन सिप्ला में भी स्ट्रेंथ दिख रही है. आई थिंक अगर मार्केट को डिफेंसिव प्ले देना है तो ये सब स्टॉक्स में से पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए. तो ये स्टॉक्स हैं वैशाली जी के रडार पर. एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुकेंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो एनआईआईटी के नतीजों पर वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर विजय थड़ानी साहब हमारे साथ जुड़ जाएंगे. नतीजों पर तो बात करेंगे ही, लेकिन बजट में सरकार ने स्किल डेवलपमेंट पर काफ़ी जोर दिया है. कंपनी ये उसको कितने बड़े मौके के तौर पर देख रही है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे. आप कहीं जाएगा नहीं. तक है मार्केट्स के अंदर तो खबरें चलती रहेंगी और इस बीच एक और मैनेजमेंट आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए और वो कई बार हमारे साथ जुड़े हैं. उनसे बातचीत करके मज़ा भी आता है, अच्छा भी लगता है और इंटेलिजेंस भी काफ़ी मिलती है और थोड़ा सेंस भी लगता है एक्चुअली, क्योंकि वो मैनेजमेंट है ही ऐसी. वो है एनआईटी की मैनेजमेंट से और मेरे को अच्छे से यकीन है आप या हमारे जैसी एज के काफ़ी सारे लोगों ने एनआईटी से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से हम कनेक्ट ज़रूर रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई के तौर पर थे, कोर्सेज के तौर पर थे, या फिर उनकी बुक्स के तौर पर थे, उनके इंटेलिजेंस के तौर पर या ट्रेनिंग के तौर पर रहे हों. उसी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और वाइस चेयरपर्सन विजय के ठडानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं. विजय जी बहुत बहुत शुक्रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए. कई बार सर क्या होता है ना कि कंपनी की पहचान जो है ना वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती है. सॉर्ट ऑफ अ कंपनी आपकी भी कुछ कुछ ऐसे ही है एनआईटी भी, क्योंकि हमारी जनरेशन से हमारे बच्चों की जनरेशन तक भी एनआईटी किसी न किसी रूप में उनसे कनेक्टेड है ही. अच्छा सर, मैं ये एलएनडी बजट्स के ऊपर आपसे थोड़ा जानना चाहता था कि टिपिकली ये कितना चेंज हुआ है और इसका कुछ असर आपके दिख रहा है आपकी स्पेंडिंग पे, या फिर आप इसमें एक कंजर्वेटिव अप्रोच ही रखेंगे सर? बहुत अच्छा लगा सुन के. आपकी आंखों में जो चमक है उससे लग रहा है कि शायद आपका भी कभी आना है जिसे नाता भाव. तो सबसे पहली चीज ये है कि स्टूडेंट रह चुका हूँ आपकी कंपनी का. विजय जी आई एम रियली सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट मैं आपकी कंपनी का एक ट्रेनी स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो मैं आपकी कंपनी से कनेक्टेड हूँ, दैट्स व्हाई आई नो एनआईटी वेरी क्लोजली. नहीं, मैंने कहा ना आपकी आंखों में चमक बोल रही है कि आपका हमारा नाता रह चुका है. हाँ चलिए, वेरी नाइस. जी जी जी, थैंक यू वेरी मच सर, प्लीज. हाँ, आज जो मैं बताना चाहता था कि जो लर्निंग एंड डेवलपमेंट स्पेस है पूरा, कि लोग कैसे सीखा करते थे, वो चीज अब बहुत तेजी से चेंज हो रही.
कहाँ से चेंज हो रही है? एक तो जो टेक्नोलॉजी और वर्क प्लेस और वर्क फोर्स के अंदर जो स्किल्स हैं और फॉर्मल एजुकेशन में, ये सब चीजों में चेंजेस हो रहे हैं, पर जो एम्प्लॉयर्स को चाहिए उसके अंदर फिर भी गैप आ गया। उस गैप को फुलफिल करने के लिए एक NIIT टाइप की इंस्टीट्यूशन की जरूरत आती है। और हमें क्यों लगता है कि अच्छा है कि एक जमाने में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए हमें भी मौका मिला कुछ बनाने का और कुछ योगदान करने का, तो उसका उससे कॉन्फिडेंस है कि जब ये चेंजेस आ रही हैं तो उस चेंजेस में हम भी कुछ और कर सकते हैं। तो L&D स्पेस के अंदर सबसे पहले जो चीज सीखना है वो सीखने के लिए अब टाइम बहुत कम मिलता है और कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा चाहिए और स्किल्स बहुत डीप चाहिए। तो इन चीजों को यूज करने के लिए जनरेटिव AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनसे लर्निंग की एफिशिएंसी भी बढ़ सकती है और लर्निंग का इफेक्टिवनेस भी बढ़ सकती है। एफिशिएंसी मतलब अगर आपको पहले 100 मिनट लगते थे कोई चीज समझने में, अब जनरेटिव AI आपको इस तरह से कर सकता है कि आपको वही चीज समझ में या उसकी मास्टर करने में आपको 60 मिनट 100 मिनट की। दूसरा मतलब 60 और 100 ये दोनों प्लेस हो। दूसरा, पहले जब आप सीखा करते थे जो आपको सिखाया जाता था वो पूरी क्लास में सिखाया जाता और कोई भी जो आपका ट्रेनर था प्रोफेसर था वो सिर्फ आप नहीं बोल रहा, पर जनरेटिव AI की वजह से आप ऐसा कॉन्टेंट बना सकते हैं क्योंकि सबको कुछ ना कुछ आता है और बहुत चीजें नहीं आती। पर जब लोग जब टीचर्स या प्रोफेसर क्लास करते हैं तो वो एवरेज ऑफ द क्लास करते हैं, तो जो जिनको बहुत कुछ आता है वो तो बोर होते हैं और जिनको कुछ नहीं आता उनको फिर भी कुछ नहीं आता, उनको समझने में तकलीफ होती है। तो इसीलिए इस चीज को मैनेज करने के लिए जनरेटिव AI से यू कैन क्रिएट लर्निंग विच इज वेरी वेरी पर्सनल। आपको जो मालूम है वो AI को भी मालूम है, AI को ये मालूम है कि आपको क्या मालूम है, तो इसकी वजह से वो अपने आप को वो आपको कंफिगर करके वो देंगे जो आपको जरूरत है। उससे क्या होगा, आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी, आपकी इफेक्टिवनेस भी बढ़ जाएगी कि आप क्या कर सकते। ये जनरेटिव ये एक चेंज है लर्निंग एंड डेवलपमेंट। दूसरा, टेक्नोलॉजी इतना फेज चेंज कर रही है, सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में जानना जरूरी नहीं, टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करके किसी और टेक्नोलॉजी के साथ मिक्स करके कैसे एक नया सोल्यूशन बनाते हैं वो भी एक कैपेबिलिटी, और इस कैपेबिलिटी को टाइम ये सब चीजें आजकल जनरेटिव AI और लर्निंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है तड़ाई सर, बहुत ही समग्रता के साथ आपने अपना जवाब सामने रखा और इंडस्ट्री का आउटलुक शेयर करने के लिए, कंपनी का विजन शेयर करने के लिए सर बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थोड़ा सा ऑडियो में इशूज है, अदरवाइज आपसे थोड़ी और हम लंबी बातचीत करते, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है कुछ ना कुछ, तो खैर बहुत शुक्रिया सर। चलिए आगे बढ़ेंगे, 300 अंक नीचे हो गया है अब निफ्टी, दिन के निचले स्तर पर सेंसेक्स की गिरावट है 1000 अंकों की और निफ्टी बैंक जो लग रहा था कि नहीं शायद वो कोशिश कर लेगा एक हरे निशान में आने की, गिरावट वहां बढ़ गई है 225 अंकों के आसपास की। हालांकि अभी भी आप देखेंगे फार्मा और बैंकिंग में HDFC बैंक और कोटक बैंक, यहां से बाजार के लिए थोड़ा सपोर्ट और थोड़ा थोड़ा सपोर्ट हम देख रहे हैं कंजम्पशन वाले शेयरों से भी आज है। निफ्टी का फार्मा इंडेक्स 0.5% ऊपर कारोबार कर रहा है लेकिन 24,700 के आसपास है निफ्टी, जिस हम सपोर्ट की बात कर रहे थे 24,800 की वो तो ब्रीच हुआ ही, कभी उसको हम इंट्राडे में हासिल नहीं कर पाए और अब 24,700 भी खतरे में पड़ता हुआ दिख रहा है। आज का लो जो है इनफैक्ट नीचे का है 24,686, एक झटका 700 के नीचे का भी बाजार में लगा है। लेकिन नतीजों के लिहाज से कल का दिन बड़ा क्रुशियल होगा, कल डिवीज लैब के नंबर आएंगे, डिवीज आज वैसे ऊपर कारोबार कर रहा है। इसके अलावा हम देखेंगे SBI के भी नतीजे कल घोषित होंगे, SBI को लेकर क्या उम्मीदें हैं, देश का ये सबसे बड़ा बैंक है, अनुमान लेकर पूजा त्रिपाठी हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं। पूजा बताइए SBI कैसे नंबर्स आएंगे और सबसे ज्यादा फोकस में क्या चीज रहेगी नंबर्स में? जी, SBI के नतीजों में इस बार थोड़ी धीमी ग्रोथ देखने को मिल सकती है और नतीजे थोड़े कमजोर साइड पर रहेंगे, स्पेशली अगर एसेट क्वालिटी के फ्रंट बात करें तो।
अगर इनके ऑपरेटिंग रेवेन्यू यानी कि एनआईआई ब्याज से आय के बारे में बात करें तो सालाना आधार पर 9% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, लेकिन मुनाफा घटेगा कंपनी का 1% से और तिमाही आधार पर 19% की गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके पीछे वजह यह है कि इस बार प्रोविजनिंग कंपनी की बढ़ी रहेगी, मार्जिन में थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है, कंपनी के जो फी इनकम है, अन्य आय है, वहाँ पर भी थोड़ी धीमी ग्रोथ देखने का अनुमान है। तो इन सब का असर कुल मिला के कंपनी के मुनाफे पर पड़ेगा, इस वजह से हम इस तिमाही एक गिरावट देख रहे हैं। इसके अलावा पहली तिमाही अगर एग्रीकल्चर लोन के रिस्पेक्ट्स में बात करें तो सीजनली वीक क्वार्टर होता है, और इस लिहाज से भी हम देखेंगे कि कंपनी के स्लिपेजेस जो हैं वो 8,500 करोड़ तक जा सकते हैं। कुल मिला के मुनाफा काफ़ी सपाट यहाँ पर रह सकता है और गिरावट भी एक्सपेक्टेड है। कुछ एस्टिमेट्स ये भी कह रहे हैं कि वहाँ पर गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो अनुमान से अगर ज़्यादा खराब आए तो फिर और ज़्यादा बड़ा रिएक्शन हम स्टॉक पर होता हुआ देखेंगे। नज़र रहेगी एसेट क्वालिटी के नंबर्स कैसे रहते हैं और मार्जिन को लेकर क्या आउटलुक बैंक देती है, इन तमाम बातों पर हमारी नज़र रहेगी। ठीक है, थोड़ा सा प्रेशर हम देखेंगे और एग्री लोन के चलते आपको हो सकता है कि एनपीए थोड़े से बढ़ते हुए दिखे। एनआईज में 9% की बढ़त का अनुमान है। नतीजों से पहले थोड़ा सा हम प्रेशर देख रहे हैं शेयर में, 2% के आसपास गिरावट है, 850 रुपये के आसपास का भाव है। मितेश जी, एसबीआई पर एक व्यू दीजिए। मान लीजिए कि अगर नंबर ज़्यादा खराब आ गए हमारे अनुमान से, स्टॉप लॉसेस कहाँ पर लगा के रखनी चाहिए शेयर में? यहाँ से जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इमर्ज हो रहा है वो 820 का है, जो डेली और वीकली चार्ट के हिसाब से। हमारे हिसाब से अगर 820 का अगर इंट्राडे में भी टूटता है सपोर्ट, तो आई थिंक 795-780 तक ये स्टॉक्स आ सकता है। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 820 का स्टॉप लॉस लेके आप अभी चल सकते हो ये स्टॉक्स में, और ऊपरी वाली साइड में अगर 875 क्रॉस हो जाता है उसके बाद ये स्टॉक है वो नई ट्रेडिंग रेंज में एंटर होगा। तो 875 ऑन द अपसाइड, 820 ऑन द डाउन साइड, ये फिलहाल रेंज रहेगी स्टॉक की। ठीक है, 820 रुपये का स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है। 3 बज गए, इनफैक्ट 3:07 हो गए। हमारा खास सेगमेंट मार्केट एट 3 लेकर आएंगे और हमारे सहयोगी अशेषा तैयार हैं आज इसके लिए। अशेषा बताइए, क्या फोकस में है आज, कौन सी खबरें आई हैं, कौन से शेयर चढ़ रहे हैं या फिर गिर रहे हैं? बिल्कुल, सबसे पहले केपीआई ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं। कंपनी को कुछ नए ऑर्डर्स मिले हैं जिसके चलते करीब 4% की तेजी इस स्टॉक पर दिखी है। कंपनी ने एक्सचेंजेस को बताया कि 28.4 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट के नए ऑर्डर्स लेटर ऑफ इंटेंट कंपनी को मिला है, जिसके चलते 4% की तेजी इस स्टॉक पर दिखी है। इसके अलावा टीटी के प्रेस्टीज नतीजे आए और नतीजों के साथ कंपनी ने बायबैक का भी अनाउंसमेंट किया है। कंपनी ने कहा कि 1200 रुपये प्रति शेयर के दाम पर बायबैक किया जाएगा और पूरे बायबैक साइज की बात करें तो करीब 200 करोड़ का पूरा बायबैक होगा और टेंडर ऑफर के द्वारा ये बायबैक किया जाएगा। तो इस न्यूज़ के चलते टीटी के प्रेस्टीज में भी करीब 2% की तेज़ी दिखी है। इसके अलावा मेटल स्पेस से हिंदुस्तान जिंक की बात करते हैं, यहाँ पर भी नतीजे आए हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो 12% का ग्रोथ दिखा है रेवेन्यू फ्रंट पर। मार्जिन 46% से बढ़कर अब 48.5% पे आए हैं। तो रेवेन्यू में ग्रोथ दिखा है सालाना आधार पर और मार्जिन भी एक्सपैंड होते हुए नजर आए। स्टॉक में करीब 1% की तेजी आज दिखी है। धानुका एग्रीटेक की बात करते हैं, यहाँ पर भी बायबैक का अनाउंसमेंट आया है जहाँ पर 100 करोड़ का बायबैक होगा और 2000 रुपये प्रति शेयर के दाम पर बायबैक किया जाएगा। तो अच्छी खबर है जिसके चलते इस स्टॉक में भी करीब 5% की तेज़ी दिखी है। और अभी अभी यूपीएल के नतीजे काफ़ी कमज़ोर रहे हैं, 5.5% की तेज़ी इस स्टॉक पर दिखी। रेवेन्यूज की बात तो 36% की गिरावट दिखी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और 40 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने सेम टाइम लास्ट ईयर रिपोर्ट किया था और इस तिमाही में तो कंपनी ने घाटा रिपोर्ट किया है। तो काफ़ी कमज़ोर नतीजे रहे जिसके चलते 5.5-6% की तेज़ी इस स्टॉक पर दिखी। तो ये तमाम खबरों में ज़्यादातर आपको अर्निंग्स ही दिखेंगी और नतीजों के दम पर कहाँ प्रेडिक्शन हो रहा है, ये पूरी की पूरी समरी 3 बजे अगर आप रोज जुड़ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा कौन से आज वो बजिंग स्टॉक्स रहे बाजार में जो आज फोकस में हैं। लेकिन एक शेयर जो आज कमजोर बाजार में भी कहते हैं ना कि खूटा गाड़ के खड़ा है, वो है जोमैटो का। 10-12% शेयर आपको ऊपर दिखेगा और उसकी वजह यह कि नतीजे बड़े सॉलिड कंपनी ने पेश किए हैं, रिकॉर्ड ऊंचाई पर शेयर पहुंचा है और ब्रोकरेजेस भी उस पर हो गए हैं बुलिश।
डिटेल्स के साथ हमारे सहयोगी शरद जुड़ गए हैं। शरद बताइए, नतीजों में ऐसा क्या खास रहा कि आज इतनी रौनक शेयर में, और ब्रोकरेजेस के व्यू क्या है इस पर? जी बिल्कुल, ऑटो के नतीजे तो बहुत स्ट्रांग आए थे, लेकिन ब्रोकरेजेस की जो व्यू है यहाँ पे एक टाइप से अपग्रेड्स देखने मिले और भरोसा बढ़ गया है। उसके कारण जो हम देख रहे हैं कि स्टॉक्स में भी जो है एक अच्छी तेज़ी देखने मिल रही है। ब्लिंकिट की बात करें तो उनका प्रदर्शन जो है उसमें बहुत अच्छी सुधार हुई है। आंकड़ों की बात करें तो जून तिमाही के जो मुनाफा है वो 2 करोड़, याद रखिएगा, 2 करोड़ से बढ़ के और 250 करोड़ रुपये हो चुका है, ये बहुत बड़ा जंप आया है। इसके अलावा जो ऑपरेशंस हैं वहाँ पे ऑपरेशनल रेवेन्यू जो कामकाज मुनाफा, वहाँ पे भी 74% का जो है ओवरऑल ग्रोथ देखने मिला है। ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू जिस चीज़ को हम कहते हैं ई कॉमर्स में, यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे 53% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने मिला है। ब्लिंकिट जो उनकी क्यू सर्विस की जो बिजनेस है, यहाँ पे डार्क स्टोर्स होती है, अब ये डार्क स्पोर्स उनका जो है 639 था लास्ट ईयर, अब वो बढ़ के 2000 हो चुका है। तो ऑफकोर्स देख रहे हैं कि उनके सारे बिजनेसेस, फूड डिलीवरी बिजनेस, क्यू सर्विस बिजनेस, दोनों में ही एक अच्छी मूवमेंट देखने मिल रही है। पर जोमेटो की रिटर्न्स कैसी आई है, और ये जो है इसके जो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू ब्रेकअप है वो मैं बता देता हूँ। टोटल 53% का है, फूड डिलीवरी 27 में आता है, लेकिन जो क्विक कॉमर्स है या गोइंग आउट है यानी कि बाहर जाके इवेंट्स में जाने में, वहाँ पे देखिए छोटा बेस है लेकिन ग्रोथ देखिए बहुत स्ट्रांग है, डबल डिजिट के ऊपर आ रहा है। अब बात करते हैं कि जोमेटो पे दिग्गज ब्रोकरेजेस का क्या राय है, स्पेशली फॉरेन ब्रोकरेजेस का। यहाँ पे देखेंगे धीरे धीरे करके वो अपनी जो लक्ष्य है उसको बढ़ाया है। CLSA, नुवामा दोनों में देखेंगे तो एक अच्छी ग्रोथ आई है, 20-30% का जो है लक्ष्य बढ़ा है। वही हम देखें मॉर्गन स्टैनली, सिटी, जेफरीज, यहाँ पे भी जो है हमने देखा कि रेटिंग्स में भी थोड़ी अपग्रेड आई है, और ओवरऑल जो है हम कहेंगे कि जो लक्ष्य है वो टोटल इंक्रीज़ हुआ है अच्छा खासा। अभी डोमेस्टिक ब्रोकिंग हाउसेस का भी जो है थम्सअप देखने मिला है। शेयर की क्या चाल है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। एक महीने में स्टॉक 24% चल चुका है, 6 महीने की बात करें तो 80% चल चुका है, और अगर 1 साल की बात करें जो उसमें गिरावट देखने मिला था 1 साल पहले, वहाँ से जो रिकवरी जोमेटो की आई है वहाँ लगभग साल में 204% रिटर्न देखने मिले हैं। तो आप देख सकते हैं जोमेटो जो है अपनी बड़ी फॉल के बाद 2 साल के बाद जो है आज हाईएस्ट इंट्राडे गेन भी रजिस्टर किया था दिन के ट्रेड में। जोमेटो का जलवा 12-13% ऊपर ही शेयर कारोबार कर रहा है। शरद बहुत शुक्रिया आपका ये सारे के सारे डिटेल्स बहुत ही बारीकी के साथ और अलग अलग करके बताने के लिए। चोपड़ा साहब, आपसे जोमेटो पर व्यू चाहेंगे। देखिए ब्लिंकिट ने अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको काफी पीछे छोड़ दिया है, और अलविंदर ढींडसा जो कि इस वर्टिकल के सीईओ हैं उनका ये कहना है कि जो परंपरागत जो सेगमेंट्स थे ना, फूड का, वेजिटेबल का, ये तमाम चीज़ें, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ के ब्यूटी केयर की बात हो गई या फिर टॉयज़ वाले सेगमेंट में, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में ग्रोथ वहाँ से ड्राइव हो रही है और वो नए नए सेगमेंट जोड़ते रहेंगे। आपको जोमेटो कैसा दिख रहा है? सर मुझे अच्छी तरह से याद है कि लास्ट ईयर 85-90 रुपये के आसपास का भाव था, अब तो खैर 270 का, 276 रुपये का रिकॉर्ड, 78 रुपये का रिकॉर्ड बना दिया इसने। 75-80 से नहीं, मैं 40 रुपए से बोल रहा हूँ। जोमेटो मल्टीबैगर है और मल्टीबैगर साबित हुआ पिछले 3 सालों में, 40-45 रुपए की रेंज में आया था और मैं लगभग सभी चैनल्स पे बोलता रहा। रीजन उसका ये है कि आदत पड़ चुकी है लोगों को घर बैठ के खाना मंगाने की। ब्लिंकिट ने और आदतें खराब कर दी है, नो डाउट। ये पूरी की पूरी नई जनरेशन है वो काफी सुस्त है, वो हिलना नहीं चाहती, और वो उसका फायदा उठाया उन्होंने, माइंडसेट का फायदा उठाया और एक ऐसा प्रोडक्ट दिया उनको जो 10 मिनट में कुछ भी अवेलेबल हो जाता है। गृहणियां हैं, काम करने वाले लोग हैं, बिजी हैं, आजकल गाड़ी निकालना, पार्किंग, समय खराब होना, ये सब चीजें बड़ी रियलिस्टिक इश्यूज हैं और इस चीजों को बहुत अच्छे से समझा। अब जोमेटो हाइपर प्योर करके भी उसका एक वर्टिकल है जिसमें आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। हाइपर प्योर इज प्रैक्टिकली अ मॉल, जो जियो मार्ट कर रहा है ऑनलाइन या डी मार्ट कर रहा है या कोई भी ऑनलाइन जो सेल्स कर रहा है, फ्लिपकार्ट कर रहा है, तो वो हाइपर प्योर भी खाने से रिलेटेड चीजें कर रहा है और भी चीजें इसके अंदर ऐड कर देगा। तो मुझे लगता है जोमेटो अपने आप में एक इंडस्ट्री बन रही है और मैं बिल्कुल भी चकित नहीं हूंगा कि आज से 5 साल बाद ये 1000 रुपए का हो जाएगा। मैं दोबारा बोलता हूँ कि आज से 4-5 साल बाद आपको जोमेटो 1000 रुपए दिखे, मैं बिल्कुल भी चकित नहीं हूंगा। जिस तरीके से इसकी ग्रोथ है और जिस तरीके से मुझे अच्छे से याद है जिस दिन ब्लिंकिट खरीदा था उस दिन काफी डैमेज हुआ था स्टॉक में, मुझे याद नहीं मगर अच्छा खासा जोमेटो में डैमेज दिखा था, और उसके बाद इन्होंने जो टर्न अराउंड किया, मुझे लगता है जो मैनेजमेंट है जोमेटो की वो बहुत स्ट्रांग है और वो लीकेजेस रोक पाए और लोगों से पैसा निकाल पाए हैं। पहले लोग डिलीवरी के पैसे नहीं देते थे मगर अब जोमेटो डिलीवरी का पैसा चार्ज करता है और
लोग खुशी खुशी देते हैं क्योंकि उनको कन्वीनियंस मिल रहा है। दूसरी बात, जहां आप रेस्टोरेंट्स की बात करते हैं या जो फूड कंपनीज की बात करते हैं, वहां से भी 28-30% और कई बार 32% तक जोमैटो लेके जाता है, तो वो अपना रेवेन्यू पूरा कलेक्ट कर रहा है। और डिफरेंशियल प्राइसिंग का भी मॉडल साइन के कि रेस्टोरेंट का प्राइसिंग अलग है, जोमैटो का प्राइसिंग अलग है, मगर लोगों में एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग मुझे लगता है कि जिस तरीके से इन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी ड्राइव की है और जो हाइपरलोकल डिलीवरी है जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन है, वहां पे भी ये लोग प्रॉफिटेबिलिटी लेके आए हैं, दिस इज कमेंडेबल। मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ मैनेजमेंट को, और मैं दोबारा कहूंगा जोमैटो यहाँ से भी मल्टीबैगर। ठीक है, यहाँ से भी मल्टीबैगर है जोमैटो। चोपड़ा साहब, वैल्यूएशन स्ट्रेच तो नहीं हुए कहीं, मतलब थोड़ा सा करेक्शन का वेट करें या फिर इस भाव पर भी ले लें? आपने मेरे को कई सालों से आप इंटरव्यू कर रहे हैं, मैंने कभी भी ये बोला ही नहीं कि आप कूद के खरीद लीजिए, कभी भी नहीं। मार्केट हमेशा मौका देता रहता है और कभी भी कोई स्टॉक किसी भी दिन 12-15% तेज हो, बिल्कुल नहीं लेना है, बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है, वेट करना है। और यही बात मैं बहुत सारे मैंने स्टॉक्स रिकमेंड किए, टाटा मोटर्स में 250 रुपए से बोल रहा हूँ, हिंडाल 230 रुपए पे बोला, टाटा मोटर्स के लिए कहा कि भारत का टेस्ला है। जोमैटो एक इतने सारी भीड़ में एक इकलौती कंपनी खड़ी हुई जो पैसा बना पाई, और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स आए जो कि पैसा नहीं बना पाए और उन्होंने अपने मॉडल्स बंद करने पड़े। मगर नो डाउट मुझे मैं रियली कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत ही माइक्रो मैनेजमेंट चाहिए होती है अगर आपको पैसा बनाना है तो, और ये मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही अच्छे से उसको ड्राइव कर पाई है। तो वैल्यूएशन नो डाउट इस समय नहीं, मगर आपको कभी भी आपको 230-225 में मिलता है किसी गिरावट में, और मैं बात 4-5 साल की कर रहा हूँ, मैं 4-5 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ कि आज BTST कर लीजिए, ये कर लीजिए, ऐसी कोई स्टोरी नहीं दे रहा हूँ। पर मुझे लगता है जो मॉडल है और जिस तरीके से ये एक्सपैंड कर रहे हैं और जो नए वर्टिकल्स खोल रहे हैं वो लोगों को आदतें पड़ चुकी हैं, और जो ईज है, मैंने नहीं देखा कि जोमैटो के ऐप पे कभी कोई ग्लिच आई हो, मतलब बहुत सारे ऐप्स तो अपनी टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से नहीं चल पाते और लोगों को कंफर्ट नहीं होता। तो जिस तरीके से ये ऑफर्स लेके आते हैं, लोगों के साथ एंगेज करते हैं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि आई वॉज इन बॉम्बे लास्ट वीक, तो मेरे को एक मैसेज आया, विजय इडली ब्रेकफास्ट / इडली। सो आई डोंट नो इन्होंने कहाँ से ये बात इनकी इनको समझ में आई कि मुझे साउथ इंडियन फूड पसंद है, और उन्होंने मेरे को एक ऑफर किया। आई वॉज सिटिंग इन बॉम्बे, ऑल्दो आई वॉज इन अ होटल, तो वहाँ पे ब्रेकफास्ट था, बट बहुत ही खूबसूरती से ये लोग चीज़ें पिक कर रहे हैं, और नो डाउट टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल इसके अंदर हो रहा है, AI का इस्तेमाल भी हो रहा है, और कस्टमर को रीच आउट कर रहे हैं उसकी पसंदीदा चीज़ों से, और आई थिंक दे हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब, बहुत अच्छा काम किया है। और आगे भी मुझे लगता है कि अगर इसी तरीके से चलते रहे, कोई बेवकूफियां नहीं करी मैनेजमेंट ने, तो ये यहाँ से भी 4-5 गुना होने का दमखम रखता है। इंतजार करिए, वेट करिए थोड़ा सा, और गिरावट में अगर जोमैटो मिलता बिल्कुल लेना चाहिए। ठीक है, गिरावट का वेट कीजिए जोमैटो को खरीदने के लिए। एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो अपने एक्सपर्ट्स ही उनके BTST ट्रेड्स जानेंगे, साथ ही डिवीज लैब के कल नतीजे आने वाले हैं, क्या अनुमान है ये भी समझने की कोशिश करेंगे। आप कहीं जाइए करें। वर्ल्ड फूड 200 पॉइंट की गिरावट है, HDFC बैंक ने आज काफी अच्छे से संभाला हुआ है, और यही आज बैंक निफ्टी के अंदर डिफरेंशिएटर भी बना, और कुछ हद तक मैं बोलूँगा IT इंडेक्स की भी बड़ी वेटेज है आज निफ्टी को गिराने की। एक काम करते हैं, IT पे एक टेक ले लेते हैं। मितेश भाई, जरा 2-3 बड़े शेयर चेक करो, TCS, इन्फोसिस और SCL टेक, तीनों के अंदर बताओ IT के अंदर जो क्रैक आज दिख रहे हैं ये गंभीर हैं या फिर ये वन ऑफ है। इन्फोसिस, TCS, SCL टेक स्टॉक है जो, जहां पे हमारा बाय साइड रिकमेंडेशन ऑलरेडी है वो है इंफोसिस और HCL टेक। दोनों स्टॉक जो है उसमें लोअर एंड से डेफिनेटली एक बाइंग मोमेंटम जारी है, और अगर आप लंबी अवधि के चार्ट देखेंगे वीकली और मंथली तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइस किया है सपोर्ट के ऊपर। अराउंड 1550 का जो सपोर्ट है HCL टेक में, हमें नहीं लग रहा है कि वो टूटेगा। और ऐसे ही अगर आप इंफोसिस को देखो तो इंफोसिस का मंथली और वीकली चार्ट भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइज है, तो ये दो स्टॉक्स में हमें लग रहा है कि करंट लेवल के ऊपर डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए। TCS हालांकि अभी थोड़ा वीक है और कहीं ना कहीं गोइंग फॉरवर्ड वीकनेस और बढ़ेगी TCS में, तो TCS करंट लेवल के ऊपर अवॉइड किया जाए।
4200 के लेवल्स भी आ सकते हैं टीसीएस में, लेकिन एज फार एज एचसीएल टेक और इंफोसिस इज कंसर्न डेफिनेटली एट लोअर लेवल्स इट्स अ क्लियर बाय। ठीक है सर, इन्फोसिस आपकी कॉल थी, मैं उसको समझ सकता हूँ। इन्फोसिस पे एक मैटर भी निकल के आया था जीएसटी इन्वर्जन्स का, हालांकि क्लेरिफिकेशन आया तो मैटर्स में जो खबर थी उसकी हवा निकल गई, इसलिए ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ। आज जो आज डैमेज आप आईटी इंडेक्स का डेज लो पे इनकी क्लोजिंग देख पा रहे हैं, ये ग्लोबल सेंटिमेंट की वजह से है। नैस्टैक में छोटे से क्रैक आए हैं, कल डेज लो पे जाके नैस्टैक बंद हुआ। यूएस के अंदर कुछ कुछ इंडिकेटर्स ऐसे मिल रहे हैं कि शायद हो सकता है रैली उनकी थोड़ी थम जाए, इसलिए आप आईटी पे आज थोड़ी प्रॉब्लम देख पा रहे हैं और आईटी की वजह से आज वेटेज के हिसाब से निफ्टी थोड़ा ज़्यादा टूटा हुआ है, और कुछ नहीं है। इन्फोसिस के बारे में ऑलरेडी आपको जानकारी अमितेश पंचाल दे रहे थे। आगे बढ़े शीट के अंदर से, मैं ज़रा चेक कर लेता हूँ कहाँ पर लॉन्ग और शॉर्ट पोजिशन अच्छी बन रही हैं, उनको क्या बी टी एस टी करना है कि नहीं। IEX का शेयर है, आपको ध्यान है हमने कल ब्रेकआउट जो हम वॉल से दिखाते हैं ना, वो ब्रेकआउट हमने दिखाया था IEX, और हमारा माना था 200 तक पहुंच जाएगा, 196 तक तो आया ये। एक बार अमोल जी एक बार ज़रा चेक करना, 210 के टारगेट हैं, चलेगा? इसमें अभी भी मोमेंटम बाकी है पॉजिटिव साइड पे, आज भी इतना खराब मार्केट सिचुएशन में भी स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया है। आई थिंक ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स के लिए 190 एक सेफ लेवल रहेगा, एक दो दिन शायद कंसोलिडेट करे, बट ब्रॉडर टेक्सचर अच्छा है। आई थिंक ये 200 तक जाने के चांसेस यहाँ शॉर्ट टर्म में पूरे दिख गया। इस बीच दिल्ली से एक खबर और आ रही है, इंपॉर्टेंट खबर है, NTPC अपने ग्रीन एनर्जी कारोबार का IPO लाने की तैयारी कर रही है, इंटरेस्टिंग खबर है। पहले जरा प्रकाश को अपने साथ जोड़ लेते हैं, जरा समझ लेते हैं ये कितना बड़ा बिजनेस है, कितना बड़ा IPO हो सकता है, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी, और इसकी और सारी डिटेल्स हमको प्रकाश बता रहे हैं। प्रकाश जी नमस्ते, बहुत शुक्रिया, आप अच्छी खबर लेके आए। NTPC के चलता हुआ शेयर है, इसका कौन सा डिवीजन का जो IPO आ रहा है और कितना बड़ा है? देखिए जो NTPC का जो ग्रीन एनर्जी बिजनेस है उसमें उसके कई वर्टिकल्स हैं, उन सब के लिए NTPC ग्रीन करके कंपनी बनाई है NTPC लिमिटेड ने, और उसको अब उसकी लिस्टिंग की तैयारी की जा रही है। और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है, योजना ये है कि इस साल के आखिर तक IPO लेकर NTPC आए, और नवंबर तक कंपनी ने ये योजना तैयार की है कि वो IPO लेकर आएगी, और इसमें करीब 10% जो है NTPC ग्रीन में IPO के जरिए ऑफर करेगी NTPC लिमिटेड, अभी तक योजना ये है। और इसके अलावा कई ऐसे बिजनेस हैं जिसमें कंपनी जो है योजना तैयार कर रही है कि वो उसमें हाथ आजमाएगी, मसलन ग्रीन एनर्जी हाइड्रोजन है, ग्रीन हाइड्रोजन है, ग्रीन अमोनिया है, इसमें पायलट प्रोजेक्ट ऑलरेडी शुरू हो गए हैं। NTPC ने कुछ कंपनियों के साथ ज्वाइंट वेंचर भी किया है, और इसके कमर्शियल वायबिलिटी इसकी कैसे हो सकती है उसको अभी देखा जा रहा है। साथ ही साथ न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर भी योजना तैयार की गई है। NTPC और NPCIL का जो JV है, जिसमें योजना ये है कि करीब 2.8 GW कैपेसिटी का जो न्यूक्लियर प्लांट होगा वो 2025 के आखिर तक इसको स्थापित किया जाएगा। तो ये उसके बिजनेस प्लान है, डाइवर्सिफिकेशन प्लान है, और उम्मीद ये की जा रही है कि इस साल के आखिर तक NTPC ग्रीन का IPO आ जाए। डन प्रकाश, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हालांकि क्लोजिंग का समय है, लेकिन एक खबर आपकी बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए हम इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं लेके जा सकते रहे, हमने दर्शकों के सामने अभी रख दिया और आपने बहुत अच्छे से बता दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। अच्छा रहा आपने NTPC के बारे में हमको ये जानकारी दे दी है। खैर हालांकि प्राइस एक्शन का भी कुछ ज़्यादा नहीं है, थोड़ा क्लोजिंग की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं, बट एक खबर इंपॉर्टेंट है, मे बी हम मंडे ट्यूसडे को वापस रिकॉल करके एक खबर आपको नोटिस करवाएंगे। डिविस लैब के नंबर आएंगे आज, एक बार नंबर स्क्रीन पर लेके आइए, जरा जल्दी से लेके आइएगा प्रोड्यूसर साहब, डिविस के नंबर स्क्रीन पर। विजय सर एक बार जरा नंबर्स मैं आपके स्क्रीन पर चला रहा हूँ, आप जरा देख लीजिए और आपका जरा टेक चाहिए कि कैसे ये ठीक रहेंगे नंबर। 356 से आएगा सर प्रॉफिट इनका 448 करोड़ का, 26% बढ़कर आय आएगी इनकी करीब 15 करोड़ रुपए की बढ़ी हुई। ये पूरा क्वार्टर फार्मास्यूटिकल्स के लिए प्राइस के लिए तो ठीक गया, लग रहा है कि बैलेंस शीट के लिए भी ठीक जाएगा, और साथ ही इनके मार्जिन्स भी होंगे, मार्जिन्स 30 से घटकर सर आएंगे 28। ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, EBITDA जिसको हम कहते हैं, वो भी 23% बढ़ेगा।
मार्जिन छोड़ के ज्यादातर चीजें ठीक दिखेंगे, आपका टेक चाहिए सर इस पे डिवी स्लैब पे। ठीक है डिबी, मुझे लगता है कि स्टॉक ने तो पहले ही ऐलान कर दिया था रिजल्ट्स ठीक आएंगे और इसके चलते हुए हम देख रहे हैं कि करीब करीब 4500 से 5000 तक की तो 500 रुपए की चाल देखने को मिली, तो ये तो दिखाई दे रहा था कि रिजल्ट्स ओवरऑलस इन लाइन है। कई बार ऐसा होता है अच्छे रिजल्ट्स के बाद स्टॉक्स में थोड़ी करेक्शन आती है, तो मैं यही कहूंगा कि अगर जिस तरह से रिजल्ट्स आप दिखा रहे हैं वैसे ही आते हैं या उससे बेहतर आते हैं तो स्टॉक में अगर स्पाइक आता है तो निकलिए, एक बार को बाहर निकलिए, दोबारा से एंट्री तब करिएगा जब थोड़ा सा करेक्शन आ जाए, और मोर ऑर लेस मुझे लगता है मैं सेटिस्फाइड हूं इस रिजल्ट से। सेटिस्फेक्शन एक मैं आपको और बता देता हूं, डिवी स्लैब अपने नंबर्स पे कम से कम 5% का स्विंग देने के लिए जाना जाता है, इसलिए मेरे को लगा कि मैं क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहा हूं, उसके बावजूद भी मैं नंबर्स आपको बताता हुआ जाऊं कि नंबर्स कैसे आ रहे हैं। मोटा मोटी एक और चीज़ भी आपको सर ने क्लियर कर दी है और वो चीज़ है कि अभी इसके नंबर्स तो ठीक आएंगे और रिएक्शन भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरफ से आ सकता है। ठीक, तो फिलहाल उन्होंने पॉजिटिव बोला है तो मैं ये मान के चलता हूँ। कुल मिला के ज़्यादातर फ्रंट पे नंबर्स ठीक दिख रहे हैं। एक बार जरा क्लोजिंग की तरफ हम बढ़ जाते हैं अब, और क्लोजिंग कैसे एक बार जरा वो आपके सामने रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं निफ्टी के टॉप गेनर्स पे, तो निफ्टी के आज के टॉप गेनर्स आईटी को छोड़ दो, आज आईटी का तो दिन ही खराब है। डिवी स्लैब फायर करो जिसके नंबर्स आने, एचडीएफसी बैंक आज 1600 को बहुत खूबसूरती से बचा के मार्केट को एब्जॉर्ब करके बैंक निफ्टी को अलग जॉनर में लेके खड़ा हुआ था, नहीं तो जिस तरह से आज निफ्टी टूटी है ना और उस तरह से आज आपका बैंक निफ्टी भी टूट सकता था। आज आप देखो 24700 पे आए हैं। सुबह अगर आप हमको गौर से सुन रहे हो तो हमने आपके सामने बात रखी थी कि 24800 जाएगा, प्रेशर बनेगा, आप 650 भी टेस्ट करेंगे। और आपको मैं बताऊं आज का निफ्टी का लो क्या है, एक ही मिनट के अंदर बताता हूं। आज का निफ्टी का लो है 686 का, ऑलमोस्ट आप समझ लो 650 का लेवल आज में आ गया। इसे ही कहते हैं मार्केट और मार्केट से जुड़ी हुई गिरावट। आप ये देखो ये 300 पॉइंट को पाने में निफ्टी को करीब हफ्ता लग गया था, तो अब एक ही दिन में निफ्टी ने 300 पॉइंट छोड़ दिए। सेम मान लो 300 पॉइंट और टूट जाते हैं ना तो ये वापस 24200 की गिरी में आ जाएगा। आप सोच सकते हैं वापस वहीं आ जाएंगे, ये जो 800 पॉइंट की तेजी हुई ये वापस आ जाएगी। आज एडवांस डिक्लाइन दिन भर की मेहनत में कोई बहुत ज़्यादा सुधार नहीं कर पाया अपने आप में। और अगर मैं आपको FNO के टोटल शेयर्स का एडवांस डिक्लाइन भी बताऊँ ना तो लॉन्ग की कैटेगरी आज 23 की और कवरिंग की कैटेगरी 12 की, 23 और 12 करीब करीब 35-36 शेयर बनते हैं जो आज कवरिंग में खड़े थे पॉजिटिव, नहीं तो ज़्यादातर शेयर में शॉर्टिंग हुई है। और शॉर्टिंग 125 शेयर नंबर का मेरे पास डाटा है कि 125 शेयर के अंदर आज शॉर्टिंग हुई है। आज IT ने पूरी तरह से मोड़ बिगाड़ा, ज़्यादातर IT की कंपनी डेज लो पे जाके बंद हुई है, ये नोटिसेबल पॉइंट है। ध्यान रखा जाए IT अपने ना नंबर से गिरा, ना ही कमेंट्री से, ना ही किसी खबर से गिरा, IT गिरा है ग्लोबल मार्केट से। और ग्लोबल मार्केट्स में अगर तस्वीर जल्दी ठीक नहीं होती है तो फिर आपको IT और भी डिस्टर्ब करेगा, ये बात आप मान के रखिएगा। आज के टॉप गेनर्स अगर आपको बताता हूँ बिना IT वाले लूजर्स, माफ़ कीजिए, वो है आइशर मोटर 4-5% नीचे नंबर्स का इंपैक्ट, मारुति नंबर्स का इंपैक्ट 4%, टाटा मोटर्स नंबर का इंपैक्ट 4%। तो पहले तीन बड़े काउंटर जिनमें कट 4-4% के लगे हैं वो सारे के सारे ऑटो कंपनीज हैं, तीनों के तीनों ऑटो कंपनीज हैं। तो थोड़ा ऑटो वाली वेटेज का भी आज निफ्टी पर असर दिख रहा था और उसने भी अपने आप को एक डैमेज के तौर पर रखा। जैसे मैंने आपको बताया सारी कंपनीज वेटेज रखती है, बट ठीक है जैसे भी है सो है। अभी हमने लेवल्स के हिसाब से बहुत बड़ा डैमेज तो नहीं किया, बट हाँ आज निफ्टी ने डेज लो पे क्लोज करके ये इंडिकेट कर दिया कि इसका जो एक रिदम होता था ना कि एक गैप डाउन करता था फिर भर लेता था, गैप डाउन करता था फिर भर लेता था, वो थोड़ा सा आज क्रैक हुआ है। और एक काफ़ी दिनों बाद आज आप देख रहे होंगे कि निफ्टी डेज लो पे क्लोज करके जा रहा है। ठीक है मितेश पंचाल बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। चोपड़ा सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अपनी तबीयत का ध्यान रखिए और जल्दी आप हेल्दी हो जाइए वापस से। अमोल अठावले जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय निकाला, अच्छा लगा आपसे बातचीत करने के लिए। एंड हैप्पी वीकेंड, इस वीकेंड को अच्छे से इन्जॉय कीजिए, आई होप कि थोड़ा उथल पुथल रहा इस वीकेंड में और अर्निंग्स भी चल रही हैं। नेक्स्ट वीकडेज में आपसे वापस बात होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज टाइम निकालने के लिए मेरे को। अभिषेक को इजाज़त दीजिए, नमस्कार।
इन असोसिएशन